अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम मुबशर है और आप देख रहे हैं एम फॉर मुबशर। तो आज की एपिसोड के अंदर हमारे ग्रुप के अंदर एक और बाइक ऐड हो चुका है जो कि है ओन का। ओन एक मौलवी का छोटा भाई, बड़ी मुश्किलों से बेसिकली ये पबजी का प्लेयर था जिसने अपनी हमारी फोर्समेंट में हमारे साथ टूर पे जाने के बाद अपनी पबजी की आईडी सेल करके उसमें पैसे ऐड करने के बाद ये इस बाइक की तरफ पहुंचा है। आइए आपको दिखाता हूँ कौन सा बाइक लिया उसने। सो गाइस, ये है ओन का होंडा सी जी 125 स्पेशल एडिशन 2021 मॉडल। बाइक की कंडीशन आप देखें, माशाल्लाह प्रिस्टीन है, बहुत साफ़ सुथरी हालत में बाइक मिला इसको। और सबर भी इसीलिए किया था कि यार बाइक इसको साफ़ मिले। 21 मॉडल है और सिर्फ 19,4600 किलोमीटर चला हुआ है, ठीक हो गया। और बाइक ये मतलब ये नहीं है कि इसकी मीटर की तार होती थी, जेन्युइन चला ही इतना है। बाइक कंडीशन आपके सामने है, बाइक की चेक कर सकते हैं आप, बहुत आउट क्लास कंडीशन में इसको मिला है। और बस इसी वजह से जो है वो स्पेशल एडिशन की तरफ जाने की रीज़न ये थी कि इस बाइक का वेट जो आपका स्टॉक होंडा होता है सादे वाला, उससे कम से कम 10 किलो ज़्यादा, और ये काफ़ी जम के चलता है। इसकी जिस तरह फ्रंट पे बड़ी ब्रेक है तो बैक साइड के ऊपर भी बड़ी ब्रेक आती है, मतलब बड़ा हबात है। तो इससे ये होता है कि ब्रेकिंग भी इसकी अच्छी है, सस्पेंशन इसका उससे अच्छा है, फ्यूल एफिशिएंसी और इसमें सेल्फ आ जाता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द सिंपल वन, ठीक हो गया। और अभी ये स्टॉक कंडीशन के अंदर ही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द इसको थोड़ा थोड़ा करके मॉडिफिकेट भी करेंगे। लड़के को ऐसा था शौक, अभी इसको सिखा रहे हैं कि बाइक किस तरह मेंटेन रखना है, साफ़ कैसे रखना है। तो क्योंकि इसको बाइक चलाने भी नहीं आता था, ये इसका फर्स्ट बाइक है और इसी के ऊपर इसने चलाना सीखा है। तो बाइक काफ़ी अच्छी हालत में है और काफ़ी खुश है ये, बड़ा लगाव हो गया इसको बाइक से। तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही इसको भी किसी ना किसी टाइम अपने साथ किसी शॉर्ट ट्रिप पे इधर कहीं करीब में लेके जाएंगे। अभी इसको कुछ टाइम तक इसको टूर्स के साथ इसलिए नहीं लेके जाएंगे ताकि ये प्रॉपर समझे कि यार टूरिंग पे राइड चेंज होती है और इन सिटीज़ में चेंज होता है साहब। तो इंशाल्लाह ताला इसको भी लेके जाएंगे जल्द सफ़र पे, एक दो टूर्स के बाद जब थोड़ा सा मेंटली मैच्योर हो जाएगा और प्रिपेयर हो जाएगा यार कि बाइक किस तरह से राइड करना। खैर, मैं आपको इसका साउंड भी चेक कराता हूँ, साथ रहिएगा। हाँ, लॉक खोलो, साउंड चेक कराने लगी और उसके बाद छोटा मोटा इसके मालिक से आपको इंटरव्यू भी कराते हैं, आपको बताएगा ये क्या फीलिंग है उसकी। ठंडा फर्स्ट स्टार्ट होने लगा, तुम खुद करो, तुम्हें पता है सही किस तरह स्टार्ट होगा। पहली बार में लाइट इसकी बंद कर दो, बैटरी डाउन हो। कैसी फीलिंग है बाइक लेने के बाद? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी फीलिंग है। तो पबजी की आईडी भेजना मुश्किल था बाइक लेने के लिए? बस था थोड़ा मुश्किल, फिर पबजी का शौक थोड़ा थोड़ा कम हो गया। अभी खेलते तो अभी भी हैं, खेलते अभी भी हैं जी, लेकिन शौक कम हो गया और बाइक की तरफ आ चुकी हूँ। तो उन एवरेज वगैरह का कुछ देखा तुमने, कितनी एवरेज दे रहा बाइक? नहीं, अभी इस बारे में मुझे नहीं पता कि एवरेज का क्या हिसाब किताब होता है। अच्छा, बस मैं अपने मदरसे वगैरह जाता हूँ इसके, मतलब डेली बेसिस तुम इसमें डाल लेते हो फ्यूल वगैरह। सही हो गया। तो वैसे ये मतलब तुमने हाशिम का चलाया बाइक? हाशिम का मैंने थोड़ा सा चलाया था, उसके घर जाते हैं। बिल्कुल, अच्छा सही हो गया, ठीक है जी। तो ये देखें जी, अभी इसने सीखा ही इस पर पहली बार, इससे पहले इसने कोई बाइक नहीं चलाया हुआ, इसने डायरेक्ट लिया और सीखा है। और ये कह ले कहीं ना कहीं हम सारे तीली लगाते रहे तो ये जाके जो है ना वो इनक्रेज होने के बाद इसने बाइक लिया है। तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही एक दो टाइम के बाद इसको भी, ये भी आप टूर पे देखा करेंगे बाइक। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक और हमारे अब ग्रुप के अंदर दो स्पेशल डे हो गए, हाशिम का जोड़ीदार आ गया। और इंशाल्लाह ताला जल्द आपकी मुलाकात कराएंगे उनसे लाइव, बिहाइंड द कैमरा वाला सीन, इसकी राइड भी चेक कराएंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।